पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने प्रदेश में आए दिन बिगड़ रही कानून व्यवस्था पर प्रदेश सरकार पर जमकर हमले किए हैं। हमीरपुर में पठानिया ने सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा ने चुनावों के दौरान कानून व्यवस्था को खूब भुनाया था और प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का वायदा भी किया था, मगर सत्तासीन होते ही प्रदेश सरकार अपने वायदों को भूल चुकी है। हमीरपुर के होली मेले के दौरान मीडिया के साथ हुई बदसलूकी पर पठानिया ने कहा कि भाजपा कार्यकाल में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी अपना कार्य करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सुजानपुर में हुई घटना निंदनीय है और पुलिस व प्रशासन को कानून व्यवस्था को सही करने का काम निष्पक्षता से करना चाहिए। जब उसके जब मीडिया कर्मी वहां थे तो उनके साथ भी बदतमीजी की गई, जो कि हमारा जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है इसके साथ इस तरह का व्यवहार, इससे साफ झलकता है कि कानून व्यवस्था जो है पूरे प्रदेश में फेल है 100 दिन में। वही हाल में ही विधानसभा चुनावों में जीत के बाद भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेस मुक्त भारत पर कुलदीप पठानिया ने कहा कि भाजपा के नेताओं को जीत का अभिमान हो गया है, इसलिए तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि लोकतंत्र में सब कुछ संभव है और कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के शासन से देश को आजाद किया और पार्टी में आज भी दम है। कुलदीप पठानिया ने कहा कि प्रदेश में आए दिन गुंडागर्दी की घटनाओं के अलावा दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं और प्रदेश सरकार मूक दर्शक बनकर कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है। हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।